हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले की वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जाना कि ईमेल क्या होता है। आज के टॉपिक में हम लोग डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम एंड आईपी एड्रेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डीएनएस, द डीएनएस डेफिनेशन, द डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस इज ए हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम टू कंप्यूटर सर्विसेस और एनी रिसोर्सेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड प्राइवेट नेटवर्क। कहने का तात्पर्य यह है कि डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा हायरार्की मतलब रूट यूजर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रूट यूजर्स नेमिंग के लिए आप प्रयोग करते हैं डोमेन नेम का, किसी भी सर्विसेस के लिए या किसी भी रिसोर्सेस के लिए इंटरनेट या किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हैं डीएनएस को। एंड सेकंड डेफिनेशन, डीएनएस इज ए एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट। कहने का तात्पर्य है कि इंटरनेट और यूजर्स दोनों आपस में जुड़कर किसी भी इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने के लिए वेबसाइट का प्रयोग करते हैं, जो डोमेन नेम सिस्टम के तहत प्रयोग में लाया जाता है। डीएनएस कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर एंड इट कैन यूज टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डीएनएस सच एस। कहने का तात्पर्य यह है कि दो अलग अलग डिवाइसों को कॉम्बिनेट करते हैं, या तो लेटर्स के द्वारा या नंबर्स के द्वारा कॉम्बिनेशन करते हैं, और वह क्रिया आपकी डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। कुछ प्रमुख डोमेन नेम्स सिस्टम्स के नाम जैसे COM कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, GOV गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, .MIL मिलिट्री सेक्टर के लिए, .NET नेटवर्किंग के लिए, .ORG एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इन डोमेन नेम के साथ इनका कंट्री नेम, IN का मतलब इंडिया के लिए, AU ऑस्ट्रेलिया के लिए, CA कनाडा के लिए, और .US आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए डोमेन नेम आप प्रयोग कर सकते हैं। द मेकिंग ऑफ डोमेन नेम इज टॉप लेवल्स डोमेन नेम सिस्टम। HTTP इज द प्रोटोकॉल, इज द हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। WWW वर्ल्ड वाइड वेब एंड सब डोमेन नेम एंड गूगल इन द डोमेन नेम सिस्टम एंड COM टॉप लेवल डीएनएस। टॉप लेवल डीएनएस का मतलब होता है किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पर्पज के लिए आप यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्यूटर्स हैं आपके, यहाँ पे एक सर्वर जुड़ा हुआ है जिसे मेन कंपोनेंट्स पार्ट्स के द्वारा, और यहाँ पे ढेर सारे आपके रूट्स डोमेन हैं जिससे आप कनेक्ट होते हैं। ये आपकी यूजर्स डोमेन्स हैं, यहाँ पे आपके अचीवर डोमेन्स हैं जो आप इस सिस्टम से कनेक्ट होकर आईपी एड्रेस के द्वारा इंफॉर्मेशन की सेंडिंग करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय टॉपिक इज डीएनएस एंड आईपी एड्रेस। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जाना था व्हाट इज डीएनएस। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस इज ए न्यूमेरिक लेवल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द आईपी फॉर कम्युनिकेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक अंकगणितीय न्यूमेरिकल प्रोटोकॉल्स होता है जो किसी भी डेटाबेस यानी कि डीएनएस सिस्टम के द्वारा आपस में जोड़कर डेटा को कम्युनिकेट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करता है। सेकंड डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो सकती है, आईपी एड्रेस इज आइडेंटिफाई होस्ट एंड नेटवर्क डिवाइस टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ऑन ए नेटवर्क। एवरी होस्ट मस्ट बी असाइन ए यूनिक कोड इन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कंसिस्टेड ऑफ 4 ऑक्स नंबर्स होते हैं, 8-8 बिट को कन्वर्ट करता है, ईच बिटवीन 0 to 55। 0 to 55 मतलब मैक्सिमम लेंथ इसकी आईपी एड्रेस की होती है जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क या होस्ट डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है मैसेज को भेजने के लिए, और उसका एक यूनिक अंकगणितीय कोड होता है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग अलग यूनिक कोड नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ 32 बिट को अगर आप समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार हो सकता है, 2 इज द बेस, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो जैसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालते हैं 2 की पावर n, n का मतलब क्या हो जाता है नंबर सिस्टम, 2 का मतलब क्या हो जाता है बेस। तो उसी तरह यहाँ पर 32 बिट निकालेंगे, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 बिट आपकी कन्वर्ट हो जाती है, यह आपका यूनिक कोड एक नंबर्स बनता है। आइए हम लोग जानते हैं आगे की क्लास में आईपी एड्रेस क्लासेस क्या होते हैं जो हम लोग सभी कंप्यूटर को यूनिक कोड से जोड़ते हैं। तो क्लास ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका रेंज जो होता है मैक्सिमम लेंथ जो होती है 126 होती है, 1 से शुरू होकर 126 तक जाती है। इसी प्रकार बी क्लास होता है ब्लिक क्लास, इस मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसकी रेंज आपकी 128 मैक्सिमम लेंथ होती है और कितनी तक जाता है 254 तक, यहाँ पर हम लोग क्या करें 255 तक पढ़े थे, तो इसका एक यूनिक कोड हो जाता है। सी क्लास आपका रिलेटिव स्मॉल क्लास होती है, इसमें जो मैक्सिमम लेंथ होती है 192 तक होती है और इसमें आप जो नंबरों का रेंज होता है वो 255 तक हो सकता है। डी क्या होता है मल्टीटास्किंग ग्रुप के लिए आप यूज किए जाते हैं, तीव्र गति से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस करने के लिए आप डी क्लास का उपयोग करते हैं। ई आपका एक्सपेंसिव मटेरियल क्लासेस होती है जो तीव्र गति से डेटा को भेजने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आइए आईपी एड्रेस के बारे में जानने की कोशिश करें, 172.16.254.1। 1 क्या हो जाता है आपका आइडेंटिफिकेशन कंप्यूटर्स नंबर, नेटवर्क आईडी जो होम पीसी के लिए आप प्रयोग करते हैं, और ये देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डॉक्यूमेंट सेक्शंस के लिए हो जाता है, यहां से यहां तक का भाग 172 और 16 तक का भाग ये नेटवर्क प्लेस हो जाता है, 254 to 1 तो होस्ट कंप्यूटर्स के लिए आप यूज करते हैं, और जितने भी इसमें न्यूमेरिकल नंबर आप यूज किए हैं जिसको डॉट से अलग किए हैं उसको 8 बिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये 172 8 बिट, 16 आपका 8 बिट हो जाएगा, 254 भी 8 बिट हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा वह भी आपका 8 बिट हो जाएगा। तो इसको क्या कन्वर्ट जब करेंगे तो कितनी रेंज हमारी आएगी, 32 बिट की रेंज आएगी जो प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग अलग होती है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय टॉपिक इज ईमेल। जैसा कि सभी लोग जानते हैं ईमेल इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज डेफिनेशन एन अल्टरनेटिव वे टू सेंडिंग रिसीविंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड ईमेल। अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद एक मेल आप आराम से एक दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं, उसे अल्टरनेटिव मेल कहते हैं। एंड सेकेंड डेफिनेशन, ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउ पीपल ऑन द सेम कंप्यूटर नेटवर्क टू एक्सचेंज मैसेज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड टू एज ईमेल सिस्टम आल्सो एग्जिस्ट दैट अलाउ पीपल टू एक्सचेंज द मैसेज। कहने का तात्पर्य यह है कि दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में इंटरनेट के द्वारा जोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी ग्रुप मैसेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज मैसेज, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स को भेजने की क्रिया इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है। अब आप ये इलेक्ट्रॉनिक मेल की परिभाषा हो गई, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस कैसे बनाते हैं और एक दूसरे व्यक्ति के पास कैसे भेजते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। ईमेल एड्रेस इज थ्री टाइप एड्रेसिंग सिस्टम, तीन पार्ट से मिलकर ईमेल एड्रेस आपका बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर आईडी, यूजर आईडी मीन्स पर्सन नेम, व्यक्ति का नाम हो सकता है। एंड सेकंड पार्ट @ सिंबल, @ सिंबल एंड -सिंबल्स
कोई भी सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं जिसे एक प्रकार का चिन्हात्मक रूप कहते हैं, वह व्यक्ति के साथ ही जुड़ता है। एंड थर्ड पार्ट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम इज gmail.com, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है जिसके द्वारा आप ईमेल प्रोवाइड करते हैं। इसके ईमेल एक्सचेंज के रूप में उदाहरण देखना चाहें तो राम हमने लिया है। राम क्या हो जाएगा, आपका यूजर हो जाएगा, व्यक्ति का नाम, @ सिंबल, एंड जीमेल क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, कॉम आपका कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग डोमेन नेम पढ़ेंगे तो उसके बारे में यहाँ पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। एंड BR भारत आपकी क्या हो गई, कंट्री नेम हो गया। इसके द्वारा ये ईमेल आपका बन के तैयार हुआ। जैसे राम एक व्यक्ति हो गया, फिर @ हो गया, जीमेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉम कंट्री नेम, BR आपका कंट्री नेम, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ईमेल को भेजने के लिए हमने एक चार्ट प्रोवाइड किया है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। ई का मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर से संबंधित है। यहाँ पर इसके कुछ कॉन्टेक्ट हैं जिसके द्वारा आप हेल्पिंग ले सकते हैं। फाइल एडिट व्यू विंडोज हेल्प छोटे में बनाया गया है। बैक किसी भी चीज से पीछे आने के लिए, फॉरवर्ड आगे जाने के लिए, होम पे भेजने के लिए, सर्च करने के लिए, और ईमेल जो आपके पास आती है इनबॉक्स के रूप में वो आपको यहाँ दिखाई पड़ती है। टू का मतलब जिस व्यक्ति के पास आप मेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस। CC अगर आप कार्बन कॉपी उस मेल की रखना चाहते हैं तो वो, और BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी, और किस टॉपिक से आप संबंधित मैसेज भेजना चाहते हैं सब्जेक्ट देंगे। यहाँ पर कंपोज करेंगे मैसेज। कंपोज करने के बाद आप देखिए मेल कैसे जाता है। ये आपका होम कंप्यूटर, ये आपका सर्वर कंप्यूटर, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड रिसीवर प्रोटोकॉल, बीच में इंटरनेट कनेक्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे मेल कंपोज करते हैं, कंपोज करने के बाद सेंड बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो कंपोज बॉक्स है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी मेल 1% टू एन अदर पर्सन जा चुकी है। आइए आप इसके बारे में जानते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं ईमेल के। ईमेल एडवांटेज, ईमेल कैन बी रिसीव्ड एनी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कहने का तात्पर्य है कि जो कोई भी ईमेल आप भेजते हैं वह रिसीवर के द्वारा रिसीव होती है किसी भी प्रकार के डेटा और इंफॉर्मेशन के थ्रू। एंड सेकेंड पार्ट इज फाइल कैन बी सेंड सच एज पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट। कहने का तात्पर्य है किसी भी प्रकार की फाइल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, चाहे वो पिक्चर के रूप में हो, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मैटर के रूप में हो, या फिर आपके ग्रुप इन्फॉर्मेशन मैसेज के रूप में हो, आप भेज सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी इशू लाइक हैकिंग ऑलवेज प्रिवेल। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग ईमेल बनाते हैं उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, उसको कोई भी उपयोगकर्ता हैक कर सकता है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी न के बराबर होती है। एंड नो सोशल कॉन्टेक्ट, किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति से आपका सोशल कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता है। थैंक यू।